हेलो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू दिस लर्न गाइस, माय नेम इज आदिल। आज के इस वीडियो में काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग गैजेट के बारे में बात करने वाले जो कि आप सभी को यहाँ पे पसंद आने वाला है, आप चाहे किसी भी उम्र को। तो वो चीज है गूगल असिस्टेंट। आप लोगों को गूगल असिस्टेंट का नाम सुनकर लगा होगा ये नॉर्मली गूगल असिस्टेंट है जो कि अलेक्सा टाइप का कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं गाइस। वो चीज है लेकिन ये काफी ज्यादा एक डिफरेंट चीज है। तो ये आता गाइस लेनोवो स्मार्ट क्लॉक विद गूगल असिस्टेंट। इसके पहले फीचर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि सबसे पहले आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहले गाइस ये आप लोग जान ली जो नॉर्मली एलेक्सा रहती है, गूगल असिस्टेंट रहती है, सारी फीचर इसमें है, इंक्लूड है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ये है गाइस कि यहाँ पे एक डिस्प्ले आप लोग देख सकते हैं जिसमें कि मेरे फोटो चल रहे हैं। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, एक चीज पहले आप बता देते हैं। मेन चीज है जो है प्राइस। तो गाइस नॉर्मली जो गूगल असिस्टेंट हो गए, जो गूगल नेस्ट में सेकंड जनरेशन या तो फिर एलेक्सा हो गए, वो 2 से 3 हजार रुपए में मिल जाते हैं नॉर्मली सेल वगैरह में। लेकिन इसकी प्राइस जो है गाइस वो पूरे 10 हजार रुपए है जो एमआरपी प्राइस है। लेकिन गाइस नॉर्मली आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे 5 हजार तक की मिल जाती है। लेकिन गाइस मैंने इसे खरीदा मात्र 900 रुपए। इसको ओरिजिनल प्राइस से मान के चलो मैंने 90% कम में खरीदा, मात्र 900 रुपए में। 900 रुपए में मैंने दो खरीदी है। अब वो मैंने कैसे खरीदी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसकी सारी फीचर मैं आप लोग बता देता हूँ गाइस। तो अगर गाइस सबसे पहली बात, इसमें अगर आपको कोई फोटो स्लाइड करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते मेरी फोटो इसमें ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है, तो इसके लिए गाइस करना पड़ता है कि आपने जिस गूगल अकाउंट से आपने इसको सेटअप करा रहता है उस गूगल ड्राइव में आपको अपना फोटो अपलोड कर देना रहता है। जैसे आपकी वेडिंग की अगर फोटो है तो आप उसमें सारे फोटो अपलोड कर दो और फिर ऑटोमेटिकली आप जाके वॉलपेपर पे ऐसे स्लाइड करके जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव करके फोल्डर आ जाएगा। वहाँ पे आप जो लोग जाके फोटो क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ से फोटो स्लाइड होती रहेंगे और हमेशा आपकी फोटो चेंज होती रहेंगी। एक फीचर तो ये हो गया, प्लस इसमें डिस्प्ले वाला फीचर है जिसमें कि टोटल नोटिफिकेशन वगैरह आती रहती है, सब कुछ आती रहती है, टेम्परेचर वगैरह, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। और सबसे बड़ी बात गाइस जिसमें आप अपना जो कस्टमाइज करके फोटो डाल सकते हो, सबसे मेन हाईलाइट वो है। प्लस उसमें जो नॉर्मली रहता है गूगल असिस्टेंट का, वो सारा कुछ फीचर है जो रहता है। अब बात कर ले गाइस मैंने इसे खरीदा कैसे 900 रुपए में, दो मैंने कैसे खरीदा। तो गाइस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज पे मैंने इसे खरीदा था। मैंने रियलमी का 43 इंच का टीवी लिया था जिसके साथ ये मुझे मतलब कूपन मिला था कि आप इसे लोगे तो इसे आपको इतने कम प्राइस में मिलेगा। तो ये मुझे दो पड़ा मात्र 900 रुपए का पड़ा, और मैंने इसके साथ गूगल असिस्टेंट भी लिया जो कि मात्र 1200 रुपए का पड़ा। लेकिन गाइस डेफिनेटली ये गूगल असिस्टेंट हो गया या तो फिर अलेक्सा हो गया उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गाइस इसमें डिस्प्ले है गाइस, और डिस्प्ले का जो फीचर का जो मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ मुझे नहीं लगता कोई भी उठा पा रहा होगा। तो गाइस अगर हो सके तो आप लोग भी इसे ज़रूर कंसीडर करना कंपेयर टू द अलेक्सा और कंपेयर टू द गूगल असिस्टेंट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कूल गैजेट है। जब फोटो स्लाइड वगैरह होती है ना, मान के चलो अगर आपकी शादी की फोटो वगैरह है तो आप इसमें अपलोड कर दो, ऑटोमेटिकली ये चेंज होते रहेंगे। और नॉर्मली अभी मैं बाहर में रहता तो स्टडी के लिए मैं इसे अलार्म के लिए यूज़ करता हूँ और म्यूज़िक वगैरह सुनने के लिए यूज़ करता हूँ एज ए ब्लूटूथ स्पीकर भी। तो इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, मैं आप लोगों को इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो गाइस आप लोगों ने साउंड क्वालिटी देखी। अगर इसकी आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कैसे सेटअप करना नहीं करना वो तो मैं बना दूंगा अलग से। लेकिन गाइस अगर हो सके तो ये लेना कंपेयर टू द गूगल असिस्टेंट या तो फिर अलेक्सा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कूल है। जो फोटो स्लाइड होता है ना गाइस, मतलब मुझे नहीं लगता नॉर्मली लोगों को पता होगा। मुझे ये भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है, लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा ये गैजेट के बारे में सुन के। बहुत सारे लोगों को पता है मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता मैंने उनके लिए वीडियो बनाया। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।